हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पुणे की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताऊंगा। और अगर आप पुणे घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आता है राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क। इस जू को 1999 में ओपन किया था और यहाँ पर 390 के आसपास एनिमल्स हैं। और यहाँ पर आपको वाइट टाइगर, बंगाल टाइगर, लीपर्ड, एलिफेंट जैसे एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर आता है पार्वती हिल्स। यहाँ से आपको पूरे पुणे का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। और पार्वती टेम्पल बहुत ही पुराना टेम्पल है। आप पुणे जाएं तो यहाँ जाना, विजिट करें। पहाड़ी के ऊपर बसा पार्वती टेम्पल बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर है कृष्णई वाटर पार्क। यह पुणे की बहुत ही ब्यूटीफुल वाटर पार्क है। और यह वाटर पार्क सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है। और यहाँ पर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ आकर इन्जॉय कर सकते हो। और यहाँ आप काफ़ी वाटर एक्टिविटी भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर है पटलेश्वर केव। और यह पुणे में शिवाजी नगर में स्थित है और इसे पंचेश्वर टेंपल भी कहते हैं। यह पत्थर से बना बहुत ही सुंदर टेंपल है। इसे 18th सेंचुरी में पत्थर द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर आता है राजा दिनकर केलकन म्यूजियम। और यह 3 मंजिल म्यूजियम है। यह म्यूजियम डेली सुबह के 10 से लेकर शाम के 5:30 बजे तक ओपन रहता है। और यह 1920 में इसे लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था। इस म्यूजियम में पुराने संविधान की काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है पुणे ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन। और यह पुणे का सबसे बड़ा गार्डन है और यह डेली सुबह को 6:30 से लेकर शाम के 8:30 तक ओपन रहता है। और यह गार्डन 10 एकड़ में फैला हुआ है। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आता है सिंगड़ फोर्ट। यह फोर्ट सिंगड़ की पहाड़ी पर स्थित है और यह पुणे से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। माना जाता है यह किला 2000 साल पुराना है और यह काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर पर्यटक दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है गणपति टेंपल। यह पुणे की काफ़ी प्रचलित टेंपल है और यह मंदिर समर्पित है भगवान गणेश जी को। यहाँ पर हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और यह काफ़ी पुराना टेंपल है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी लिस्ट में आने वाले नंबर 2 पर आगा खान पैलेस। इस पैलेस को सुल्तान मोहम्मद आगा खान ने बनवाया था। इसे लोगों के लिए 1892 में ओपन किया गया था और यह काफ़ी अच्छी और एक ऐतिहासिक महल है। यह बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी आते हैं। आप पुणे जाएं तो यहाँ ज़रूर जाएं। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आता है शनिवार वाड़ा। इसका निर्माण सन 1732 में किया गया था। शनिवार वाड़ा में कुल 5 गेट हैं, जिनमें से हर गेट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो पहला गेट है उसे दिल्ली दरवाजे के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा गेट है उसे मस्तैनी दरवाज़ा, तीसरे गेट को खिड़की दरवाज़ा, चौथे गेट को नारायण दरवाज़ा और पाँचवें गेट को गणेश दरवाज़ा कहा जाता है। और यह पुणे की फेमस टूरिस्ट प्लेस है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। और गाइज, आपने से कई लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।